आसाम, उत्तर पूर्वी राज्यों से घिरा आसाम भारत का एक बेहद ही खूबसूरत, उपजाऊ और महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य का उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में भी किया गया है। यह राज्य हरियाली के सुंदर हरे भरे आवरण, पहाड़ियों और नदियों की एक श्रृंखला, मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से सुशोभित है। अनादिकाल से असम अलग अलग जातियों और जनजातियों का निवास स्थान रहा है। इस राज्य की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी की कलकल बहती धारा में आज भी सरायघाट के महान युद्ध की गूंज सुनी जा सकती है। इस युद्ध में अहोम सेना ने मुगलों की विशाल सेना को करारी शिकस्त देकर असम को आजाद कराया था। इसी युद्ध से जुड़ी है कहानी 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा की, जिसने मुगलों को लाखों चने चबवाए थे और उन्हें अपने राज्य से खदेड़ दिया था, जिन्हें पूर्वोत्तर भारत का वीर शिवाजी कहा जाता है। ये कहानी है असम के महान वीर योद्धा लचित बोरफुकन की। लचित का जन्म 24 नवंबर 1622 को सेंग लॉन्ग मोंग चराइड में ताई अहोम के परिवार में हुआ था। उनका धर्म फूरे लुंग अहोम था। लचित कालुक मोसाई के पुत्र थे। इनके पिता एक अहोम पुजारी थे। उनकी माता का नाम कुंदी मराम था। लचित बोरफुकन ने मानविकी शास्त्र और सैन्य कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। बोरफुकन लचित का नाम नहीं बल्कि उनकी पदवी थी। 1228 में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ, जो म्यांमार से आए थे। इस राजवंश ने सदियों तक खिलजी तुगलक, इलियास शाही, लोदी और बंगाल सुल्तानों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की, लेकिन 1648 में मुगलों के एक बड़े आक्रमण में हार कर उन्हें बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। फिर 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और 1661 में उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर आसाम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुगल सेनापतियों द्वारा किए गए इस हमले में अहोम साम्राज्य पराजित हो गया। अहोम साम्राज्य की पराजय और अपमान के कारण राजा जयध्वज सिंघा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, जिसके कारण जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद चक्रध्वज सिंघा को राजा बनाया गया। उनके सेनापति बने लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन ने अपना पूरा ध्यान अहोम सेना के नव संगठन और अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगाया। इसके लिए उन्होंने नए सैनिकों की भर्ती की, जल सेना के लिए नौकाओं का निर्माण कराया, हथियारों की आपूर्ति, तोपों का निर्माण और किलों के लिए मजबूत रक्षा प्रबंध इत्यादि का दायित्व अपने ऊपर लिया। उन्होंने ये सब इतनी चतुराई और समझदारी से किया कि इन सब तैयारियों की मुगलों को भनक तक नहीं लगने दी। मुगल शासक द्वारा 1668 में गुवाहाटी के फौजदार रशीद खान को बदलकर फिरोज खान को नियुक्त किया गया, जो बहुत ही भोग विलासी व्यक्ति था। उसने चक्रध्वज सिंह को सीधे सीधे आसामिया हिंदू कन्याओं को भोग विलास के लिए अपने पास भेजने का आदेश दिया। इससे लोगों में मुगलों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। लचित ने लोगों के इस आक्रोश का सही प्रयोग करते हुए इसी समय गुवाहाटी के किले मुगलों से छीनने का निर्णय लिया। लचित के पास एक शक्तिशाली और निपुण जल सेना के साथ समर्पित और दक्ष जासूसों का संजाल था। लचित ने योजना बनाई, जिसके अनुसार 10-12 सिपाहियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से किले में प्रवेश किया और मुगल सेना की तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लचित ने इटाकुली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस विजय के साथ ही एक बार फिर गुवाहाटी ने आजादी की सांस ली, लेकिन यह आजादी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला, तब वह गुस्से से तिलमिला उठा।
उसने मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को 70,000 सैनिकों की बड़ी सेना के साथ अहोम से लड़ने के लिए असम भेजा। उधर लचित ने बिना एक पल व्यर्थ किए किलों की मजबूत सुरक्षा करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी। 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सराई घाट का युद्ध लड़ा गया था। यह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि लचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पे फिर से अपना अधिकार कर लिया था और उन्हें गुवाहाटी से बाहर धकेल दिया था। इसी गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मुगलों की सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का एक विशाल बेड़ा था। इतनी बड़ी सेना को देख लचित ने फुल स्केल वार की बजाय गुरिल्ला वार करने का निर्णय लिया। गुवाहाटी में एक हिल एरिया था जहां से मुगलों की आर्मी भारी संख्या में एंटर कर सकती थी, जहां का रास्ता लचित ने मिट्टी की दीवार बनवाकर बंद कर दिया था। जब भी मुगल सेना गुवाहाटी के किसी हिल में एंटर करती, लचित की सेना गुरिल्ला अटैक करके पहाड़ों में छुप जाया करते थे, जिससे मुगलों को पस्त होकर नदी का रास्ता चुनना पड़ा। भारतवर्ष के इतिहास में कदाचित यह पहला महत्वपूर्ण युद्ध था जो पूर्णतया नदी में लड़ा गया था, जिसमें लचित ने पानी में लड़ाई की। सर्वथा नई तकनीक आजमाते हुए मुगलों को ब्रह्मपुत्र नदी में तीन तरफ से घेर लिया। एक ओर कामाख्या मंदिर, दूसरी ओर अश्वक्लांता का विष्णु मंदिर और तीसरी ओर ईटाकुली किले के दीवारें थी। दुर्भाग्यवश लचित इस समय इतने अस्वस्थ हो गए थे कि उनका चलना फिरना भी अत्यंत कठिन हो गया था, परंतु उन्होंने बीमार होते हुए भी भीषण युद्ध किया और अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस से सरायघाट के प्रसिद्ध लड़ाई में लगभग 4,000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। तभी से असम के इतिहास में लचित बोरफुकन का नाम अमर हो गया। औरंगजेब का सेनापति हार कर भी कह गया था कि उन्होंने ऐसा योद्धा कभी नहीं देखा। लचित बोरफुकन से भारतीय नौसेना शक्ति को मजबूत करने, अंतरदेशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।